यह ट्रेन दोस्तों 13 दिसंबर सन 2000 को शुरू की गई थी। वैसे इसका नाम आराधना एक्सप्रेस है। यह ट्रेन पोरबंदर गुजरात से चलती है और शालीमार वेस्ट बंगाल में अपनी यात्रा को पूर्ण करती है। यह इस रूट की खास ट्रेन है जो भारत के पश्चिमी भाग को पूर्व से जोड़ती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस ट्रेन की जानकारी को आपके साथ में साझा करने वाले हैं वो ट्रेन है पोरबंदर गुजरात से चलकर शालीमार तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है मनीष चोले। जानेंगे दोस्तों इस ट्रेन से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। दोस्तों पोरबंदर गुजरात से चलकर शालीमार वेस्ट बंगाल तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या है 12905, इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसे शुरू किया गया था 13 दिसंबर सन 2000 को, जो कि पोरबंदर गुजरात को वेस्ट बंगाल के शालीमार से जोड़ती है। यह ट्रेन पोरबंदर से शालीमार की कुल दूरी 2545 किलोमीटर को तय करती है लगभग 42 घंटे और 30 मिनट में। इस दौरान यह ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के साथ पटरियों पर दौड़ती है। इस ट्रेन का संचालन करता है पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलने वाली एक द्विसाप्ताहिक ट्रेन है, जो हर बुधवार और गुरुवार को पोरबंदर से रवाना होकर हर शुक्रवार और शनिवार को शालीमार में अपनी यात्रा को पूरा करती है। बीच में यह ट्रेन करीबन 28 स्टेशनों पे अपना होल्ट लेती है और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो फिलहाल तो इसमें ICF श्रेणी के कोच चलते हैं, जिसमें फर्स्ट AC, AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच चलते हैं। और अगर हम इन सभी कोचेस के किराए की बात करें तो इसमें फर्स्ट AC का पोरबंदर से शालीमार तक का किराया रहता है 5,700 रुपये, AC2 टायर का किराया रहता है 3,335 रुपये, AC3 टायर का किराया रहता है 2,290 रुपये, स्लीपर का जो किराया रहता है वो रहता है 885 रुपये और सेकंड सीटिंग का जो किराया रहता है वह रहता है 550 रुपये। यह किराया दोस्तों पोरबंदर से शालीमार तक का बताया गया है, जिसमें GST रिजर्वेशन, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज शामिल रहता है, परंतु यात्रा करने से पूर्व इस किराए को जांचना आवश्यक है। भोजन संबंधित सुविधाओं में इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच उपलब्ध है, परंतु पेंट्री के भोजन का चार्ज अलग से देना होता है। इसके अलावा इसमें ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग भी मिल जाएगी। इस ट्रेन के अगर हम लोकोमोटिव की बात करें तो इस ट्रेन को पोरबंदर से अहमदाबाद तक वटवा लोको शेड का WDM-3A डीजल इंजन लेकर जाता है और अहमदाबाद से इसे भुसावल या हावड़ा लोको शेड का WAP-4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के हम सभी स्टेशनों को विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों पोरबंदर गुजरात से चलकर शालीमार तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर बुधवार और गुरुवार को सुबह के 8:50 पर गुजरात के पोरबंदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। और दोस्तों पोरबंदर से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है जामनगर। सुबह के 11:18 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और 11:23 पर यह ट्रेन जामनगर से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है हापा सुबह के 11:43 पर और 11:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है राजकोट जंक्शन दोपहर के 1 बजे और 1:05 पर यह ट्रेन राजकोट जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सुरेंद्र नगर जंक्शन दोपहर के 3:03 पर और 3:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है विरमगाम जंक्शन शाम के 4:10 पर और 4:12 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है अहमदाबाद जंक्शन
शाम के 5:30 पर यह ट्रेन पहुंचती है अहमदाबाद जंक्शन और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद शाम के 5:45 पर यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। अहमदाबाद में दोस्तों इस ट्रेन का इंजन चेंज होता है और इसमें डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आनंद जंक्शन शाम के 6:40 पर और 6:42 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन शाम के 7:16 पर और 7:21 पर यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। वडोदरा तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 560 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सूरत रात के 9:15 पर और 9:20 पर यह ट्रेन सूरत से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के नंदुरबार में रात के 11:30 पर और 11:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भुसावल जंक्शन रात के 3 बजे और 3:05 पर यह ट्रेन भुसावल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अकोला जंक्शन सुबह के 5 बजे और 5:05 पर यह ट्रेन अकोला जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बडनेरा जंक्शन सुबह के 6:32 पर और 6:35 पर यह ट्रेन बडनेरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है नागपुर जंक्शन सुबह के 9:30 पर यह ट्रेन पहुंचती है नागपुर जंक्शन और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 9:35 पर यह ट्रेन नागपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। नागपुर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1416 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गोंदिया जंक्शन सुबह के 11:31 पर और 11:33 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दोपहर के 12:50 पर और 12:52 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दुर्ग जंक्शन दोपहर के 1:35 पर और 1:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायपुर जंक्शन दोपहर के 2:15 पर और 2:20 पर यह ट्रेन रायपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है भाटापारा दोपहर के 3:08 पर और 3:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बिलासपुर जंक्शन शाम के 4:10 पर और 4:25 पर यह ट्रेन बिलासपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 15 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है चांपा जंक्शन शाम के 5:06 पर और 5:08 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायगढ़ शाम के 6:06 पर और 6:08 पर यह ट्रेन रायगढ़ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है उड़ीसा के झारसुगुड़ा जंक्शन में शाम के 7:15 पर और 7:17 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राउरकेला जंक्शन रात के 8:37 पर और 8:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 8 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है झारखंड के चक्रधरपुर में रात के 10:05 पर और 10:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है टाटा नगर जंक्शन रात के 11:10 पर और 11:17 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 7 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वेस्ट बंगाल के खड़गपुर जंक्शन में रात के 1:17 पर और 1:22 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है शांतरागाछी जंक्शन रात के 2:55 पर और 2:57 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है वेस्ट बंगाल का शालीमार रात के 3:20 पर यह ट्रेन पहुंचती है शालीमार और यहां तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2545 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी पोरबंदर गुजरात से चलकर शालीमार तक जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।